हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड सो बच्चों ये क्लास सेवेंथ इंग्लिश चैप्टर फोर दैट मेड ट्रीज ब्लूम का सेकंड पार्ट है पार्ट वन में हमने देखा कि विकेट ओल्ड कपल ने मिल्क को तोड़ के उसकी लकड़ियों को एज फायरवुड यूज कर लिया यानी कि उन्हें जला दिया था अभी देखते हैं कहानी में आगे क्या होगा नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट उसके थोड़े टाइम के बाद ही द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन गुड ओल्ड मैन को फिर से सपना आता है एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम और डॉग की जो आत्मा है वो उससे बात करती है टेलिंग हिम उसको बताती है हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री कि वो जो विकेड दुष्ट पड़ोसी थे उनके कैसे उन्होंने पाइन ट्री की बनी हुई मिल चक्की को बर्न कर दिया जला दिया अभी डॉग की स्पिरिट कहती है टेक द एशेज ऑफ द मिल उस जली हुई मिल की जो राख है उसको लेकर आओ स्प्रिंकल देम ऑन द विदर ट्रीज विदर्ट का मतलब है बेर एंड ड्राई सूखे हुए और मुरझाए हुए जो पेड़ हैं उनके ऊपर उस आश को स्प्रिंकल कर दो थोड़ा सा छिड़क दो एंड दे विल ब्लूम अगेन और वो फिर से खिल जाएंगे फिर से हरे भरे हो जाएंगे नाउ द ओल्ड मैन अवोक ओल्ड मैन अगली सुबह उठता है एंड वेंट एट वॉन्स टू हिज विकेट नेबर्स हाउस और उनके जो विकेट नेबर थे उनके घर पे चला जाता है वेर found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace. और वहां पर जाने के बाद वो देखता है कि जो मिजरेबल ओल्ड पेयर था मिजरेबल मतलब बहुत दुखी दिखाई देना अनहैपी तो जो हुआ उसके बाद दोनों साड़ लग रहे थे और ऐसे एक स्क्वायर फायर प्लेस के एज किनारे पर बैठे हुए थे इन द मिडल ऑफ द फ्लोर फ्लोर के बीच में स्मोकिंग एंड स्पिनिंग कॉटन से थ्रेड बनाने के प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं तो दोनों स्मोक कर रहे थे और स्पिन कर रहे थे फ्रॉम टाइम टू टाइम और थोड़े थोड़े टाइम के बाद दे देयर हैंड्स एंड फीट वो अपने हाथों को और पैरों को वॉम भी कर लेते थे विद द द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ मिल फायर प्लेस में उन्होंने उस मिल के बिट्स को उसके टुकड़ों को ही जलाया हुआ था वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस और उनके पीछे टूटी हुई लकड़ियों का एक पूरा पाइल एक ढेर पड़ा हुआ था गुड ओल्ड मैन हमली आस्ट फॉर गुड ओल्ड मैन बहुत विनम्रता से उनसे राख मांगता है दो द कविटस कपल कबिटस मतलब जो लालची कपल था वो टर्न एट हिम टर्न अप देयर नोजिस का मतलब है किसी को डिसरेस्पेक्टफुली ट्रीट करना तो वो उसका अपमान करते हैं उसका तिरस्कार करते हैं और उसको स्कोल्ड भी करते हैं एज ए फीवर अ थी जैसे कि वो कोई चोर हो दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द दशिज लेकिन फिर उसको एशिज से उसकी बास्केट को भर लेने देते हैं ऑन कमिंग होम घर वापस आने के बाद द ओल्ड मैन टूक हिस्स व गार्डन वो गुड ओल्ड मैन अपनी वाइफ को लेकर गार्डन में जाता है इट बींग विंटर क्योंकि अभी विंटर का सीजन था देर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर उनका जो फेवरेट चेरी ट्री था वो बेयर था लीव्स नहीं थी उसके ऊपर पूरा सूखा हुआ था ही स्प्रिंकल्ड अ अच्छ ऑफ एशिज ऑन इट वो उसके ऊपर एक पिंच बहुत थोड़ी सी आश को स्प्रिंकल करता है एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स पिंक बलूम्स विच परफ्यूम्ड और वो उसके ऊपर फूल खिलने लगते हैं जब तक कि वो उसके ऊपर पूरे पिंक फ्लावर्स नहीं खिल जाते और चारों तरफ हवा में उनकी खुशबू नहीं फैल जाती द न्यूज ऑफ दिस फिल्ड द विलेज ये न्यूज पूरे गांव में फैल जाती है एंड एवरी वन रन आउट टू सी द वंडर और सभी इस वंडरफुल सीन को देखने के लिए दौड़ कर आते हैं कविटस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी अभी यह बात उस लालची ओल्ड कपल को भी पता लगती है इकट्ठा करते हैं कैपडेम टू मेक विदर ट्रीज ब्लॉसम और विदर ट्रीज को ब्लॉसम करने के लिए उसे अपने पास रख लेते हैं द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट इज लॉर्ड द डाइमियो ये वर्ड हमने सबसे शुरू में देखा था कि नाइनटीन सेंचुरी में जापान में जो बेल्दी लैंड ओनर्स थे उनको डायमियो बोला जाता था और उन्हें वहां की लॉर्डशिप भी मिली हुई थी मतलब उस जगह के राजा भी वही होते थे तो जब काइंड ओल्ड मैन को ये पता लगता है कि उनके राजा जो है वॉज टू पास अलॉन्ग हाई रोड नियर द विलेज विलेज के पास में जो हाई रोड है वो वहां से पास होने वाले हैं वहां से गुजरने वाले हैं सेट आउट टू सी हिम टेकिंग इज बास्केट ऑफ एशिस वो अपनी आशिश की बास्केट को लेकर उन्हें देखने के लिए चला जाता है एज द ट्रेन अप्रोच ट्रेन मतलब प्रोसेशन आपने देखा होगा पुराने जमाने में राजा जब लोगों के बीच से गुजरते थे तो एक सेरेमोनियल परेड उनके साथ चलती थी तो जब वो प्रोसेशन वहां पर पहुंचा ही क्लाइंड अप इन टू एंड ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री बैट स्टोट बाय द वे साइड वही रास्ते में एक ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री था वो ओल्ड मैन उसके ऊपर चढ़ जाता है नाउ इन द डेज ऑफ डायमियोस

तो राजा को नजरें नीचे करके देखना एक तरीके से उसकी लॉर्डशिप के लिए डिसरेस्पेक्टफुल माना जाता था इसीलिए आप हाई विंडोज से उनको नहीं देखें तो आपको विंडोज बंद करनी है और उनके ऊपर पेपर पेस्ट कर लेने हैं ऑल द पीपल अलोंग द रोड अभी रोड पर जितने भी लोग होंगे वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज वो अपने हाथों और घुटनों के बल नीचे बैठ जाएंगे एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट प्रोस्ट्रेट यानी कि लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड आपको आपका फेस नीचे रखना है अंटिल द प्रोसेशन पास बाई जब तक कि प्रोसेशन वहां से गुजर नहीं जाएगा देंड रियर तो अभी जो प्रोसेशन है वो बिल्कुल पास आ जाता है वन टोल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड उसमें सबसे आगे एक टॉल और कॉम्पिटेंट मतलब एक एबल और स्किलफुल पर्सन था जो मार्च कर रहा था क्राइंग आउट टू दीपल बाय द वे और रास्ते में जितने भी लोग थे उनको चिल्लाकर कह रहा था गेट डाउन ऑन योर नीज

तो जैसे ही राजा की जो पालकी है वो पास में आती है द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम हिज बास्केट वो ओल्ड मैन अपने बास्केट से एक पिंच एश निकालता है स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री उस पेड़ के ऊपर स्कैटर कर देता है फैला देता है बिखेर देता है इन एन मोमेंट इट बर्स्ट इन टू ब्लॉसम और एक ही मोमेंट में वो पूरा ब्लॉसम पूरा जो पेड़ है वो फ्लावर से भर जाता है द डिलाइटेड डाइम्यू ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप तो जो डायमिया वो बहुत खुश हो जाता है ये देखकर और वो ट्रेन प्रोसेशन को रुकने के लिए बोलता है एंड गेट आउट टू सी द वंडर और बाहर निकलता है अपनी पालन पालकी से इस वंडर को देखने के लिए कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम जो ओल्ड मैन है उसको अपने पास बुलाता है ही थैंक हिम उसको थैंक यू बोलता है एंड ऑर्डर प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स स्पॉन्ज केक फैंस एंड अदर टू टू बी गिवन हिम और ऑर्डर करता है कि इसको ये सभी प्रेजेंट्स देने हैं ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल यहाँ तक कि वो उसको अपने कैसल में इन्वाइट भी करता है सो द सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम तो वो जो ओल्ड मैन था वो बहुत खुशी से अपने घर जाता है टू शेयर हिज जॉय विद डियर ओल्ड वाइफ और अपनी जो उसकी जो डियर ओल्ड वाइफ थी उसके साथ ये इंसिडेंट शेयर करता है बट वेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट लेकिन जब उस ग्रीडी नेबर को ये बात पता लगती है ही टुक सम ऑफ द मैजिक ashes। उसके पास भी उस थी, वो भी कुछ मैजिक को लेता है highway. और वेंट आउट ऑन द हाईवे हाईवे पर चला जाता है। वो, वो वहां तक नहीं पहुंचता एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन और नील डाउन होने की बजाय लाइक क्राउड जैसे कि बाकी क्राउड उस टाइम पर नील डाउन था चेरी ट्री वो भी एक चेरी ट्री के ऊपर चढ़ जाता है tree. वो एक मुठ्ठी भर के ऐश उस पेड़ के ऊपर डाल देता है which did not change a particle. अ a पार्टिकल particle मतलब इवन अ लिटिल बिट थोड़ा सा भी चेंज उस ट्री पर नहीं चेंज उस ट्री में नहीं होता the wind blew the fine dust of the नो इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द डाइमियो एंड हिज वाइफ तभी हवा चलती है और वो उड़ा के उसको फाइन डस्ट को फाइन uh, डस्ट जो है वो उड़ के डाइमियो और उनकी वाइफ के नाक और आंख में चली जाती है सच एंड चोकिंग और उन्हें स्नीज छींके आने लगती है चोक हो जाता है ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम तो जो भी जितना वो एक शानदार डिस्प्ले था उसको और डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन को वो पूरा स्पॉइल कर देता है द whose बिजनेस इट वॉज टू ट्राइ गेट डाउन ऑन योर नीस अभी जो आदमी जिसका काम गेट डाउन ऑन योर नीस बोलना था वो से उसको पकड़ता है ट्री ट्री से ड्रैग उसको करता है नीचे खींच कर लाता है एंड tumbled हिम ये वर्ड पहले भी है टम्बल मतलब जोर से पटकना हिम एंड हिज एश बास्केट इन टू द डिच बाय द रोड रोड के साइड में एक डिच एक गड्ढा था उसको और उसके बास्केट को उसमें फेंकता है देन बीटिंग हिम साउंडली उसके बाद खूब अच्छे से उसको पीटता है he left him for dead और मरने के लिए वहीं पर उसको छोड़ देता है दिकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मर्ड तो वो जो विकेट ओल्ड मैन था वो मिट्टी में ही मर जाता है लेकिन द काइंड्रेंड ऑफ द डॉग लेकिन डॉग के जो काइंड फ्रेंड थे डुवेल्ट इन पीस एंड प्लेटी डुवेल्ट मतलब रहेना वो पीस और प्लेटी से रहते हैं एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव अ ग्रीन ओल्ड एज और वो और उनकी जो वाइफ है ग्रीन का मतलब यहां पर है हेल्दी एक्टिव एंड प्रोस्पेरस ओल्ड एज तक वो जीते हैं सो so, ये एक जापनीज टेल है जिसको लिखा होगा या शायद ट्रांसलेट किया होगा विलियम इलियट ग्रिफिस ने ओके सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है क्वेश्चन आंसर हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग